क्या तुम्हें इस बात पे भी थोड़ा सा एक गुरूर है कि गॉडलाइक से ज्यादा वोट से? ये एक टाइप से आपके फैंस ने आपको सपोर्ट किया है गॉडलाइक से, जी गॉड एंड ऑफ कोर्स टीम जी से, वी हैव गॉट स्काउट। बॉयज, गुड टू हैव यू। स्काउट, ये दूसरा मौका है। जिंदगी में चांसेस उतने नहीं मिलते, बट ये लाइफलाइन मिली है ऑडियंस से। द बिग क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पे आप ऑडियंस का सम्मान रख पाएंगे फॉर द लव एंड द फेथ जो उन्होंने आप पे दिखाया? 100% क्योंकि आई ऑलवेज टेल दैट कि ये चीज़ हम लोग को एक टाइप से ऑडियंस के थ्रू हमें ये स्लॉट मिला है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्किल सेट जो हमने प्रूव कर पाए। लास्ट राउंड हम एलिमिनेट हो चुके थे, हम लोग टॉप क्वालिफाइंग टीम्स पर नहीं आ पाए, बट वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच पीपल आउटसाइड जिन्होंने हम लोग इतना प्यार दिया, तो उनके प्यार के लिए हमें तो अभी प्रूफ करना है। सो 100% जो हमने गलतियाँ करी थी पिछले कुछ गेम्स में, वो हम इस वीक में प्रूफ करेंगे कि येस वी आर वर्थ इट फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गिवन अस। लेकिन उन्होंने ब्लेस्ड होने की बात की, मुझे ऐसा लग रहा है यार समवेयर आई डोंट फील ब्लेस्ड, क्योंकि गालियाँ खाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने कल जेली से बात की थी, वो IGL था एंड दैट्स व्हाट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट। लेकिन अब जेली जो है वो IGL नहीं है, इट्स पंक। व्हाट हैपेंड देयर ब्रो? एक्चुअली मतलब टीम का म्यूचुअल डिसीजन था, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही थी इतने टाइम्स, तो म्यूचुअली सब साथ में बैठे। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सीन हुआ टीम के अंदर, बाकी जेली ने बोला कि मैं स्टेप डाउन कर लेता हूँ, तुम चार ट्राई कर लो परफॉर्मेंस आ जाए। ओके, आऊँगा इस पर भी आऊँगा। स्काउट, एक IGL की तो ऐसा लग रहा है कि मैं जगह खा गया हूँ बिकॉज ही डिड एन इंटरव्यू। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हमने जितने भी मैचेस देखे हैं उसमें यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स व्हेन इट कम्स टू दिस गेम। BGMI की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक फिनिश आया है स्काउट, इज दैट अ मैटर ऑफ कंसर्न? क्या वो परेशान करेगा? 100% वी फेल्ड एज अ टीम, सो इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट मोर अबाउट इंडिविजुअल ग्लोरी। बहुत लोग यहाँ पे इंडिविजुअल किल्स को ग्लोरीफाई करते हैं, बट दे ऑलवेज फॉरगेट इट्स अ टीम गेम। तो अगर आपकी टीम आप सिंक नहीं कर पा रहे हो, देन यू फेल एज एन IGL। मी बीइंग एन IGL एंड वन ऑफ द फिल्टर्स ऑफ द टीम, आई पर्सनली फील मेरा काम वही होता है कि टीम को साथ रख के गेट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस आउट ऑफ द टीम एंड नॉट फोकस ऑन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सोलो प्लेयर्स। जी गॉड, चार मैचेस उसमें से दो तुम खेले हो एंड वी हैव सीन दिस चॉपिंग एंड चेंजिंग द टीम गॉडलाइक की बात आती है। नाउ वी नो के फोकस जो है वो बाकी चीज़ों पर भी था, सो दैट वन मोमेंट जब तुम बाहर बैठे हुए हो, यू नॉट पार्ट ऑफ द प्लेइंग फॉर, सडनली आना, तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो यार कि कभी भी कॉल अप आ सकता है? मोटिवेट करने के वाला सीन नहीं, मतलब मैं हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहता हूँ, क्योंकि कभी भी सिचुएशन आ सकती है। वही है कि अभी ये टीम को कब जरूरत पड़ जाए कब नहीं, तो खुद को वैसे प्रिपेयर करके रखता हूँ, जब भी टीम को जरूरत पड़ती है आके खेल लेता हूँ। ऐसा कुछ प्रेशर है? प्रेशर नहीं, पक्का नहीं है, बहुत टाइम हो गया अभी खेल रहे हो, प्रेशर नहीं आता। एंड जस्ट आखिरी सवाल स्काउट, हम इन सारी टीम्स की बात कर चुके हैं, जो दो टीमें आई हैं वो गॉडलाइक है और तुम हो, क्या तुम्हें इस बात पे भी थोड़ा सा एक गुरूर है कि गॉडलाइक से ज़्यादा वोट से फैंस ने तुम्हें अंदर भेजा? दिस इज समथिंग जिसके लिए गुरूर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर गुरूर है तो भाई बहुत गलत मेंटेलिटी में लौंडा जिसको भी गुरूर होगा, बट आई पर्सनली फील दिस इज नॉट समथिंग विच यू नीड टू बी प्राउड ऑफ। ये एक टाइप से आपके फैंस ने आपको सपोर्ट किया है, आपको सेकेंड चांस दिया है, तो इसमें प्राउड वाली कोई बात नहीं है। उनकी बोलते हैं ना कि उन्होंने जो ट्रस्ट दिया है वो ट्रस्ट को हमें तोड़ना नहीं अब, फॉर बोथ द टीम्स। All right, listen. And when I'm finished, I'm all by my-